आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम देखेंगे भारत का स्थिति और विस्तार का भाग दो। इसके पहले मैंने भाग वन बता दिया था, जिन लोगों ने भाग वन नहीं देखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में भाग वन का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर पार्ट वन को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, छोटे बड़े कई तरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। शिव समुद्रम नाम तो आपने जरूर सुना होगा, आखिर शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। 10 डिग्री चैनल जिसे अंग्रेजी में 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच भी सीमा है। प्रश्न आता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को ड्यूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि भारत का स्थलीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा तो आपने देख लिया, अब प्रश्न आता है कि भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। थार मरुभूमि या थार का रेगिस्तान आपने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि थार मरुभूमि भारत के किस राज्य में है। भारत में थार मरुस्थल या मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। समय की बात करेंगे, यहाँ से एक प्रश्न आता है कि भारत का मानक समय कितना डिग्री देशांतर पर आधारित है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर पूछा जाता है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और इसे ही कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा भारत के किस नगर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, भारत में प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। प्रश्न पूछता है कि भारतीय भूभाग का कुल कितना प्रतिशत भाग मैदानी भाग है। भारत के कुल भूभाग का 43% भाग मैदानी भाग है। भारत में पर्वत और पठार की भी कमी नहीं है, इसलिए प्रश्न आता है कि भारतीय भूभाग का कुल
कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय भाग है? भारत के कुल भूभाग का 11% भाग पर्वतीय भूभाग है। बांग्लादेश अभी बहुत चर्चा में है। प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश की सीमा के साथ लगती है। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर कन्याकुमारी में मिलते हैं। कभी कभी एक प्रश्न पूछ देता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। एक प्रश्न बहुत घुराकर पूछता है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है और कहाँ स्थित है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68°7' पूर्व गुजरात में है। एक प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झीलों की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री झीलों की दूरी तक है। एक प्रश्न आता है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? याद रखिएगा, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर भारत का भूगोल, जिसमें हमने आपको बताया भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने राय विचार को कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।